भागलपुर के टाउन हॉल में बुधवार को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री और भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा नवनियोजित संविदा कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन और लिपिक पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बता दें कि यह कार्यक्रम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सौजन्य से आयोजित किया गया था। प्रभारी मंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी, साथ ही उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी कुमार अनुराग, एसएसपी आनंद कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सोनू भगत सहित जिले के कई विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री महोदय का अभिभाषण आप लोगों ने सुना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संकल्प है उस संकल्प के लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से जाने के बाद आपका प्रशिक्षण का शेड्यूल निकला हुआ, प्रशिक्षण करेंगे तो प्रशिक्षण पूरी तत्परता के साथ करना है। कई बार क्लास में होता है कि अब तो हमें सरकारी जॉब हो गया, आप क्या, लेकिन आप जान लीजिए कि जितनी बेहतर तरीके से आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उतने बेहतर अधिकारी और उतने बेहतर कर्मी होंगे और उतनी कम असुविधा या उतनी कम कष्ट आपको फील्ड में काम करने में होगा। तो प्रशिक्षण आप सभी लोग बेहतर तरीके से करेंगे, मैं विश्वास करूं। थैंक यू। तो प्रशिक्षण बेहतर तरीके से, दूसरा जब फील्ड में काम करेंगे तो अभी से पहले आप एक कॉमन मैन थे, आम आदमी थे, आम व्यक्ति थे, तो पूरी जमात के साथ आप खड़े थे, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे तो पूरी जमात एक तरफ है जिनको आपको मदद करना है और आप दूसरी तरफ, तो आप दूसरी तरफ हैं, तो जमात की भावना को समझना है, जो जितने भी हमारी जनता है उनकी भावना को समझना है और जो सरकार के द्वारा दिए गए आपको कार्य है। भागलपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए मोबाइल को उसके असली धारकों को सौंप दिया है। एसपी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में एसएसपी आनंद कुमार ने 25 मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन बरामद किए गए और उन्हें उनके मालिकों को वापस कर दिया गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में काफ़ी खुशी है। मोबाइल पाकर लोगों ने बताया कि उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भागलपुर पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका मोबाइल अब उन्हें वापस मिल पाएगा, लेकिन पुलिस ने आज उनके चेहरे पर मोबाइल लौटाकर मुस्कान ला दिया। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अब तक लगभग 1 करोड़ रुपये के गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने ढूँढ कर उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन मुस्कान, जिसके तहत लोगों के जो खोए हुए या चोरी हुए या छिनताई के दौरान जो मोबाइल उनके हाथ से ले लिया, उसकी पुलिस खोज करती है और उसको बरामद करके जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो जिन्होंने मोबाइल ख़रीदा है जिसके यहाँ से चोरी हुआ है, उसको उपलब्ध कराती है और उसी कड़ी में आज 25 मोबाइल को रिकवर करके और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनके जो उनको उपलब्ध कराया गया है। और इसमें 18 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक इस आज के कार्यक्रम में आए थे और ये पुलिस के द्वारा एक बड़ा कदम है जो पिछले एक साल से लगातार भागलपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और 409 मोबाइल, लगभग 1 करोड़ के मूल्य के 409 मोबाइल अभी तक उसके वास्तविक धारकों को वापस किया जा चुका है और यह मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। और जब किसी का कोई भी खोया हुआ वस्तु वापस मिलता है तो बिल्कुल उनको खुशी होती है और चेहरे पर मुस्कान आती है, तो इस मुस्कान के लिए भागलपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी प्रयास करती है। आज कितने मोबाइल थे सर? आज 25 मोबाइल थे, लगभग 5 लाख उनकी कीमत होगी और सभी को उनके वास्तविक धारकों को उनको वापस किया गया। मोबाइल मिला है तो कैसा लग रहा है? 10 फरवरी को मेरे बर्थडे के दिन खोया था, डिपार्टमेंट में हम लोग का सेमिनार था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो उसी में खोया था। आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि पुलिस के प्रति क्या अब भावना? अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि खोया हुआ चीज मिल गया, तो फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा। भागलपुर पुलिस को क्या कहिएगा? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस तरह से मोबाइल खोया था,
सावन का मन था तो हम सभी कांवरिया यात्रियों का दर्शन मतलब वो सेवा कर रहे थे। उसके बाद इसी तरह हम चले गए वहाँ जगदीशपुर, वहाँ से ऑटो से आते टाइम मेरा फोन ही नहीं मिला। उसके बाद हम उस दिन कसम खा ली कि जब तक मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा तो हम भोला बाबा का कभी पूजा नहीं करेंगे। और उसके बाद जैसे ये मेरा फ़ोन मिला तो हम एक साल के बाद हम उसका पूजा किए। आज फोन मिला है, भरोसा पुलिस पे जगा है। तो हमको यकीन था कि मैं अगर सच में नहीं मिलता तो हम कभी पूजा नहीं करते। आज मिल गया, आज मिल गया तो जाएंगे फिर से। और दोस्तों को भी हम जिसके पास नहीं रहता था पैसा कहीं से व्यवस्था करके उनको भी हम लेकर के जाते थे, पर किसी को छोड़ते नहीं थे। भागलपुर पुलिस को क्या कहिएगा, फोन आपको पा कर दिया है? पा करके दिए तो इसके लिए बहुत उसका शुभकामना है, धन्यवाद। भागलपुर में एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को उसकी सौतन ने गर्म तेल फेंक कर घायल कर दिया। घटना बांका जिले के चानन थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि वह दिल्ली में मजदूरी करता था और हाल ही में उनकी मुलाकात इस महिला से हुई थी। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पति का कहना है कि उनकी पहली पत्नी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन उसने अचानक गर्म तेल फेंक दिया जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पति ने बताया कि इलाज के बाद पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं नमाज पढ़ने चला गया था बस 12:30 बजे, वहां से आने के बाद 1:30 बजे नमाज ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद दो भाभी थी और एक ये था और एक बीवी, तीनों मिल के इसको मारा गया है। कारण क्या है मारने? अब ये नहीं बता सकता हूँ सर, यही बताएगा जी क्या हुआ नहीं हुआ था। झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे ये नहीं मालूम। ये आपकी दूसरी वाइफ है? हाँ, दूसरी वाइफ है। तो पहली वाइफ से बात हो रहा था? बात ऐसे ही जैसा मियाँ बीवी रहते वैसे ही था। हम लोग इसे नाराज थी वो क्या? नहीं, नाराज नहीं था, खुशी खुशी में था। अब पता नहीं दूसरे सिखावा में ऐसा ही किया। दूसरे ये आपको दिल्ली मिला था? आपको दिल्ली मिला है? दिल्ली। इसकी शादी कब हुआ था जी? इससे शादी कब किए थे? इसके शादी नहीं हुआ, शादी करने के लिए लेकर आया था। शादी किए नहीं थे? नहीं, ऐसे रख रहे थे। हाँ, शादी करने के लिए मैं लेकर आया था, मैं मतलब अपना जिला में जाके शादी करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम असुड्डा का। राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व पर की गई टिप्पणी को लेकर भागलपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। शहर के खलीफाबाग चौक पर भाजपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि राहुल गांधी का बयान हिंदू मानसिकता के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल थे। आप सबों को सर्वजित है, कल लोकसभा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, हिंदुओं को जिस प्रकार से हिंसक कहा है, अपमानित करने का काम किया है, और कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ऐसे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का भी नारा देने का काम, नैरेटिव करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, और कांग्रेस का जन्म ही हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए हुआ है। नेहरू की सरकार थी, आर्टिकल 25 जो धार्मिक शिक्षा देने का काम हमारे मंदिरों और मठों से होता था उसको बंद किया, आर्टिकल 28 जो धर्मांतरण को संवैधानिक अधिकार दिया, और 28-30 और अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने की आजादी दी, और दान अधिनियम लाके मंदिरों पर जो है सरकार का नियंत्रण हुआ और 4 लाख मंदिरों पर उसका नियंत्रण है, और ऐसे जो है वक्त होकर ऐसे कानूनों को लाकर हमारे धन संपत्तियों पर अधिकार जमाने का काम किया है। पूर्णतः ये कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ देश में काम कर रही है, उस मानसिकता को कल उजागर करने का काम राहुल गांधी ने किया है, जिसका विरोध आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका पुतला जलाया है और रोष आपके सामने है, और अगर वो नहीं चेतते हैं इससे बड़ा भी आंदोलन होगा, और राहुल देव को जवाब देने के लिए भारत का हिंदू अब अपमान सहने को तैयार नहीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने मारवाड़ी कॉलेज का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कुलपति को कई समस्याओं से अवगत कराया। छात्रों ने बताया कि महिला छात्रावास बनकर तैयार होने के बाद भी अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। वहीं बॉयज हॉस्टल की जर्जर स्थिति के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। छात्रों ने यह भी शिकायत की कि एग्जाम के समय या कॉपी जांच के समय छात्र छात्राओं की कक्षाएं सस्पेंड कर दी जाती है। इस पर कुलपति ने प्रिंसिपल को सख्त हिदायत दी कि किसी भी हालत में कक्षाएं सस्पेंड नहीं की जाएंगी। वहीं कुलपति ने अन्य समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन छात्रों को दिया।